सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और बताओ क्या हाल चाल है तुम लोगों के। वेल, आज के स्टूडियो में बात करने वाला हूँ एल ड्रैगो वर्सेस डार्क ड्रैगन के बारे में। अब देखो, डार्क ड्रैगन जिन लोगों को नहीं पता, थोड़ा सा बताता हूँ कि यार डार्क ड्रैगन कौन था। डार्क ड्रैगन की बात करो तो ये वही बिट बीस्ट है जो कि हम लोग को दिखाया गया था ओरिजिनल सीरीज में, जहां पर हम लोग को टाइसन के ड्रैगन वर्सेस डार्क ड्रैगन की बैटल देखने को मिली थी। तो आज मैं कंपैरिजन करूंगा डार्क ड्रैगन वर्सेस एल ड्रैगो जो कि रेयुगा का हम लोग को दिखाया गया था। एंड आई डोंट थिंक एल ड्रैगो के बारे में मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत है। वेल, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक भी जरूर करना। एंड ज़रा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वेल, इन दोनों का कंपैरिजन करने से पहले कुछ सिमिलैरिटीज की बात करता हूँ जो कि हम लोग को इन दोनों ही ब्लेड के अंदर देखने को मिले थे या फिर बिट बीस्ट के अंदर देखने को मिले थे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँ डार्क ड्रैगन से। तो डार्क ड्रैगन की बात करूँ, जब हम लोग को वो दिखाया गया था तो याद करो यार, वो जो पहली मूवी थी बीबेट की, वहाँ पर हम लोग को एक लड़का दिखाया गया था जिसको इस बिट बीस्ट ने कंट्रोल किया था। एंड वही जब बात आती है लाइटनिंग एल ड्रैगो की, तो पहले सीजन में हम लोगों ने देखा था कि लाइटनिंग एल ड्रैगो ने भी रेयुगा जैसे ब्लेडर को कंट्रोल किया था। तो ये सिमिलैरिटी हम लोग को देखने को मिली थी इन दोनों ही पिट बीस्ट के अंदर। वेल, अब ये जानने के लिए कि यार इन दोनों ही पिट बीस्ट या फिर स्पिरिट में ज्यादा पावरफुल कौन है, हम लोग को जानना पड़ेगा इन दोनों की बैक स्टोरी, यानी कि दोनों ही ब्लेड्स कैसे इनका ओरिजिन हुआ था और ये कितना पावर होल्ड करते थे स्टार्टिंग में। वेल, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ डार्क ड्रैगन से। डार्क ड्रैगन की बात करूँ तो जब बेवलेट ओरिजिनल सीरीज की पहली मूवी आई थी, या फिर कह सकते हो एक मूवी ही हम लोग को दिखाई गई ओरिजिनल सीरीज की, तो उसमें तुम लोग को याद होगा टाइसन, काय, री, मैक्स, ये चारों ही जो ब्लेडर हम लोग को दिखाए गए थे ओरिजिनल सीरीज के, ये चारों ही ब्लेडर अपने डार्क वर्जन से लड़ते हैं। एंड हम सबको पता है कि चारों ही बिट बीस्ट में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल एंड मेन बिट बीस्ट हम लोग को दिखाया गया था वो था ड्रैगन एंड उसका एक दूसरा वर्जन जो कि था डार्क ड्रैगन। डार्क ड्रैगन की बात करूँ, जो हम लोग को पहली बार ये बिट पीस दिखाया गया था तो वहाँ पर एक केव दिखाया गया था जहाँ पर हम लोग को एक बूढ़े अंकल दिखाया गया था और उनके साथ कह सकते हो बहुत सारे बच्चे थे। एंड उन पर कह सकते हो उनमें से जो एक बच्चा था उस पर डार्क ड्रैगन ने पूरे तरीके से कंट्रोल कर लिया था। एंड देन उसके बाद वहाँ पर जहाँ पर डार्क ड्रैगन सील हुआ था उसके जगह पर ड्रैगन सील हो जाता है। पावर लेवल की बात करूँ तो यार डार्क ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एंड इसका आइडिया हम लोग को मूवी से ही देखने में लग गया था, क्योंकि तुम लोग को याद होगा ड्रैगन जरूर पावरफुल ब्रीडर है लेकिन यार स्टिल डार्क ड्रैगन की बात करो तो वो उसी की एक डार्क साइड हम लोग को दिखाई गई। हम सबको पता है कि यार एक सिक्के के दो फेस होते हैं, एक गुड साइड एंड एक डार्क साइड। तो डार्क साइड बेसिकली हम लोग को दिखाई गई थी इस मूवी में एंड हम सबको पता है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अब मैं बात करता हूँ एल ड्रैगो की। वेल, एल ड्रैगो की ओरिजिन स्टोरी की बात करूँ तो हम सबको पता है कि यार एक टुकड़ा गिरा था, एक गिरा था बेसिकली कोमा विलेज में एंड एक गिरा था बहुत ही गलत लोगों के हाथों में। एंड वहाँ से एल ड्रैगो का ओरिजिन स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पर कुछ लोग आते हैं एंड वहाँ पर जो एल ड्रैगो रहता है धीरे धीरे कर उन सारे लोगों की जो डार्क एनर्जी रहती है उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। एंड देन बाद में हम लोग को देखने को मिलता है एल ड्रैगो का एक बहुत ही नया फॉर्म जिसका हम लोग को नाम देखने को मिला था मेटल फ्यूजन में, लाइटनिंग एल ड्रैगन। वेल, डार्क ड्रैगन की बात करूँ तो यार इसके हम लोग को कोई वर्जन देखने को नहीं मिले थे। वहीं पर जब बात आती है एल ड्रैगन की तो हम सबको पता है कि यार जब हम लोग को पहली बार इसको दिखाया गया था तो रेयुगा के पास था लाइटनिंग एल ड्रैगन, फिर उसका मेटल मास्टर में जब रेयुगा रिटर्न करता है तो वहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है मीटियो एल ड्रैगन। एंड देन उसका जब मेटल फ्यूरी आता है तो वहाँ पर स्टार फ्रैगमेंट की वजह से कह सकते हो जो एल ड्रैगन रहता है वह इवॉल्व हो जाता है एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर में। तो यहाँ पर कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पर लग रहा है कि एल ड्रैगो पावरफुल है, लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है। देखो, डार्क ड्रैगन जरूर हम लोग को एक ही बार दिखाया गया था बेवलेट की मूवी में, लेकिन वो भी एक एंशियंट टाइम का बिट बीस्ट है। एंड हम सबको पता है कि जो एल ड्रैगो वो भी बहुत ही पुराने टाइम का बिट बीस्ट या फिर स्पिरिट हम लोग को दिखाया गया था। अब देखो, यहाँ पर एक कह सकते हो जो थोड़ा बहुत चेंजेस भी हुए थे। अब बात करूँ यहाँ पर एल ड्रैगो की तो एल ड्रैगो एक ब्लेड था, एक स्पिरिट था, उसको यूज़ किया था रेयुगा ने, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि यार जो एल ड्रैगो वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। देखो यार, ये चीज़ नॉर्मली क्लियर है कि यार जो ब्लेड है वो किसी ब्लेडर को पावरफुल नहीं बनाता, एक ब्लेडर किसी ब्लेड को पावरफुल बनाता है। तो यहाँ पर जब बात आती है डार्क ड्रैगन की तो तुम लोग को याद होगा जब डार्क ड्रैगन पहली बार यूज़ किया गया था उस बच्चे के हाथ से, तो हम सबको पता है कि डार्क ड्रैगन ने उस बच्चे को कंट्रोल किया था। जो बच्चा हम लोग को दिखाया गया था वो खुद से उस डार्क ड्रैगन को यूज़ नहीं किया था एज अ ब्लेड, लेकिन एल ड्रैगन के केस में हम लोग को पता है कि यार मेटल फ्यूजन के बाद जो रेयुगा था उसने अपने लिमिट्स को सरपास एंड इवॉल्व किया लाइटनिंग एल ड्रैगन को मीटियो एल ड्रैगन में। लेकिन यहाँ पर डार्क ड्रैगन के केस में हम लोग को उसकी फुल पोटेंशियल कभी दिखाई ही नहीं गई कि यार अगर कोई ब्लेडर उसको कंट्रोल करके यूज करता तो वो कितना ज्यादा पावरफुल हम लोग को देखने को मिल सकता था बेवलेट की सीरीज में। अब मैं बात करता हूँ एल ड्रैगन के बारे में। देखो यार, ये तो नॉर्मल सी चीज है कि यार जब भी मैं पूछता हूँ एल ड्रैगन पावरफुल है कि नहीं तो तुम लोग का आंसर यही आएगा कि हाँ भाई, एल ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर मैं तुम लोग से ये पूछूं कि एल ड्रैगन की एक्चुअल पावर हम लोग को दिखाई कितनी गई है, यानी कि उसका पावर लेवल है कितना,
तो इसका आंसर आई डोंट थिंक किसी के पास होगा। बट जब बात आती है डार्क ड्रैगन की, तो डार्क ड्रैगन के केस में भी हम लोग को यही दिखाया गया कि यार उसकी जो एक्चुअल पावर लेवल है वो हम लोग को सही से कभी बताई नहीं गई। तो अगर तुम लोग मुझसे पूछो कि अगर इन दोनों बिट पीस की बैटल होती है कभी तो कौन जीतेगा, तो इसके भी दो आंसर निकल कर आते हैं। अगर तुम लोग मुझसे ये पूछ रहे हो कि यार सीरीज के बेसिस पे मैं कौन से ब्रीड को जिताऊंगा, तो उसका आंसर है एल ड्रैगन। अगर मैं इसको दूसरे वे में देखूं, यानी कि जैसे कि दोनों ही ब्रीड की हम लोग को फुल पोटेंशियल नहीं दिखाई गई है, तो अगर लॉजिकली तुम लोग देखो यार, तो इसका आंसर एक तरीके से अनडिफाइंड है, या फिर इसका आंसर कर सकते हो कोई भी ऐसे बता नहीं सकता डायरेक्टली। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज एल ड्रैगन जीतेगा, लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर कोई नहीं दे सकता जहां तक मुझे लगता है। वेल, तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जो भी तुम लोग के ओपिनियंस है मैं एक एक कमेंट जरूर रीड करूंगा। एंड अगर इंस्टाग्राम पे मुझसे बात करना चाहते हो तो वहां पर भी आ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।